हेलो गाइस, वेलकम बैक। नया दिन, नई जोश, नई उमंग के साथ मैं ले आया हूं आपके लिए आज फिर से एक नई वीडियो। गाइस, आज मैं अपनी टाटा टियागो को जो 3 मंथ्स ओल्ड है उसका आरसी अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कराने जाऊंगा और उसका मैं आपको आज रियल टाइम लाइव एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा। तो चालू करते हैं। तो गाइस, आरसी ट्रांसफर कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स चाहिए होते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज जीरोक्स चाहिए होते हैं। ये आधार कार्ड हो गया, ये आरसी हो गया, ये अपना टाटा मोटर्स का ओरिजिनल पेपर हो गया, ये इंश्योरेंस का पेपर हो गया। हो गए मेरे सब जीरोक्स, आधार कार्ड, उसके बाद आपका रोड टैक्स, उसके बाद आपका इंश्योरेंस पेपर, और ये हो गया आपका केसी ओरिजिनल बिल। इन एडिशन टू ऑल दिस आपको चाहिए होता है ओरिजिनल आरसी और फॉर्म 29 और फॉर्म 30 के 2 कॉपी। तो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या है। तो अपन चलते हैं आरटीओ पहले, फिर वहां देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, मैं बताऊं, लॉकडाउन खुलने के बाद लोग एकदम आजाद पक्षी की तरह हो गए और मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता में कितनी मस्त तरीके से गाड़ी दौड़े जा रही है। ये देखो गाइस, मजा आ रहा है ना, देख के सब गाड़ियां एकदम मजे में घूम रही है। गाइस, रास्ता में इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला कि मैं आगे वीडियो बना ही नहीं सका। लोग एकदम भीड़ के माफिक बाहर निकल के रखे। हाँ, मैं भी उसमें से एक भीड़ हूँ ही। गाइस, हम पहुंच गए केआर पुरम आरटीओ, जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है। अब आपको मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि जब ये आरसी ट्रांसफर होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, या ये भी हो सकता है कोई दिक्कतें ना आए। उसके पहले मैं सब अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं वन बाय वन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। ये है गाइस फॉर्म 29, इसका अपने को 2 कॉपी चाहिए होता है। ये कॉपी हो गई, ये 2 कॉपी हो गई। दूसरा है फॉर्म 30, इसका भी अपने को 2 कॉपी चाहिए होता है। ये हो गई अपनी 1 कॉपी और ये हो गई अपनी 2 कॉपी। ये हो गया आधार कार्ड ऑफ ए ट्रांसफरी, ये हो गया आधार कार्ड ऑफ ए ट्रांसफरर, ये अपना रोड टैक्स का बिल, उसके बाद अपना नेक्स्ट है इंश्योरेंस पेपर, उसके बाद अपना ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ द कार। गाइज, ये ओरिजिनल आरसी तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन लोग ये सबमिट ले लेंगे। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। आरसी ट्रांसफर न्यू कार फ्रॉम माई नेम टू वाइफ नेम, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई गॉट। भी इनकी रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल फैन, ओरिजिनल आरसी और एक पोस्टल कवर। तो चलते हैं अपने दुकान और बाकी का चीज भी ले लेते हैं, शायद इस दुकान में मिल जाए। सभी डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी नई है, जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड, इसलिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की दरकार नहीं है, अदरवाइज पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट होता है। गाइस, मैं वापस आ गया हूँ 15 नंबर वाले बॉक्स पे। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, नाउ लेट्स सी क्या होता है। हाँ मैडम, गाइस, गवर्नमेंट ऑफिस जैसा होता है ना, वैसा ही है। बैठ के अंदर में चना खा रही है धीरे धीरे, अब बोलती है ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, अब बोलती है फाइल मिसिंग है, फाइल लेके आओ। अब उपाय क्या है, लाना तो पड़ेगा। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये फाइल आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा। तो ये फाइल इस तरह से आपको टाई करके रखना पड़ेगा और इस तरह से एक एनवलप भी चाहिएगा, और इसको आरसी को इस पैकेट में डाल करके इस तरह से बंद करके, ताकि ये कहीं खो ना जाए, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। आप कोई भी आरटीओ में जाओगे तो आजू बाजू ये सब शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ से आपको ये सब फाइल और प्लास्टिक मिल जाएंगे। तो लेट्स गो फॉर द वन लास्ट टाइम गाइस। गाइस, आरसी ट्रांसफर कराने का फी बैंगलोर में 511 है, पर वही आप अगर कोई ब्रोकर से ये काम करवाओ तो आपको 2500 रुपीज पड़ेगा। खुद से कराने के 2 फायदे हैं, आपको प्रोसेस के बारे में भी पता चलता है और आपके कुछ पैसे भी बच जाते हैं। कौन कहता है गाइस कि गवर्नमेंट ऑफिस में एक बार में काम नहीं होता, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड आओ तो एक बार में भी काम हो जाता है। फाइनली यस, हो गया मेरा भी काम। फॉर्म 29 और फॉर्म 30 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आरसी ट्रांसफर के लिए, वो सब का इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कुछ मेरे से वीडियो में मिस हो गया होगा। गाइस, टाइम टू रैप अप, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।